जय माता दी। आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में कि आखिर इंसान के ऊपर कर्जा होता क्यों है, लोन होता क्यों है। बहुत सारे लोग हमें हर रोज़ ये क्वेश्चन भेजते हैं, हमें व्हाट्सएप के थ्रू, हमें मैसेंजर के थ्रू, यूट्यूब के ऊपर लोग ये क्वेश्चन पोस्ट भेजते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या उपाय करें। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि कर्जा कोई भी एक ग्रह देता नहीं है और ना ही इसका कोई एक फिक्स लो है कि अगर कुंडली में ये योग बन जाए तो कर्जा हो जाएगा। असल में इंसान के ऊपर कर्जा होने के सैकड़ों और हजारों ही ऐसे लॉ बनते हैं जिसके कारण कोई भी हालात ऐसे बने जिसके लिए इंसान के ऊपर कर्जा हो जाए। उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अगर मान लो जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का संबंध राहु के साथ हो। लाल किताब में ये कहा गया है कि राहु और बृहस्पति का जब भी संबंध होता है तो ये बुध बनता है। राहु और बृहस्पति के मिलने से जब बुध खराबी पर आता है तो ऐसे में इंसान अपनी मन मर्जियाँ करने लगता है, अपने जोश में आकर के या बिना वजह की एक बेकार की समझ में आकर के ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिसमें अब राहु बृहस्पति के फलों को बहुत मंदा करता है, जिसमें घर की समृद्धि, सुख शांति, रुपया पैसा और घर का सोना इन सभी को खराब करने का काम करता है। और अगर इनका संबंध सिक्स्थ हाउस के साथ हो जाए या किसी भी खराब घरों में जाकर के बैठ जाए और बृहस्पति या राहु का समय आ जाए तो इंसान के कई बार उसकी बहुत ज़्यादा समझदारी के कारण डिसीजन ऐसे ले लेता है जिसके कारण लोन उठाता है, कर्जा उठाता है, फिर उसको भुगतान करने में उसको बहुत मुश्किलें आती है। अगला योग राहु का संबंध सूर्य के साथ या राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर। मान लो राहु का संबंध सूर्य के साथ खराब घरों में है, छठे घर में है, नौवें घर में है या बारहवें घर में है या आठवें घर में है और दशा सूर्य या राहु की आ जाए तो सूर्य ग्रहण जब भी बनता है ये सबसे पहले इंसान के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है। इंसान अपने गुस्से में आके एक बेकार की आप कह सकते हो चिड़चिड़ापन और एक फ्रस्ट्रेशन में आकर के कामकाज के अंदर भी नुकसान करता है। और राहु को हमारा दिमाग माना गया है और केतु हमारे दिमाग में आने वाले विचार होते हैं। जब राहु खराबी पर होता है तो केतु भी खराबी पर होता है। मान लो ये योग नौवें घर में है, तीसरे घर में केतु, वो भी नीच का, तो ऐसे में दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग बनती चली जाना और गुस्से में आकर के या कह लो कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इंसान सोच समझ के साथ भी अगर काम करे तो उसके दिमाग में वैसे विचार ही नहीं आएंगे, वैसे आइडियाज़ ही नहीं आएंगे कि वो अपने आप को, अपने काम को बहुत आगे बढ़ा पाए। तो उस चक्कर में भी इंसान के कामकाज के लिए अगर इंसान लोन लेता है, कर्जा लेता है तो उसका काम ना चलने के कारण लोन तो हो ही जाता है लेकिन उसको चुकाने में फिर उसको दिक्कतें आती हैं। अगला योग बनता है, अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का संबंध यदि पापी ग्रहों के साथ हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि चंद्रमा का संबंध पापी ग्रहों के साथ है तो इंसान के पास पैसा नहीं होगा। इसमें अलग अलग सिचुएशंस बनती है। हालांकि चंद्रमा का संबंध यदि राहु या केतु के साथ हो जाए तो लाल किताब में कहा गया है कि धर्मी कुंडली ऐसी बनती है। धर्मी कुंडली यानी कि ऐसी कुंडली में पापी ग्रहों की खराबी बहुत हद तक कम हो जाती है और इंसान को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तकलीफें नहीं आती। लेकिन अगर राहु का चंद्रमा का संबंध पापी ग्रहों के साथ हो जाए और ख़ास करके खराब घरों में हो जाए या पापी ग्रह खराब होकर के चंद्रमा के साथ बैठ जाए या उस पर दृष्टि डाल दे और दशा चंद्रमा की आ जाए या उस पापी ग्रह की आ जाए जिसका संबंध चंद्रमा के साथ बन रहा है, तब भी पैसे के बड़े बड़े नुकसान होना, पैसा फंसना, खराब होना, किसी को पैसा दिया है वहाँ पैसा आ नहीं रहा लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है,
या कोई लोन लेके कर्जा लेकर के किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वो प्रॉपर्टी ही फंस गई या धोखा हो गया उस प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी कर्जा लेकर के ले तो ली है लेकिन वो अब बिक नहीं रही और उसके लिए कर्जा बढ़ता जा रहा है, उल्टा नुकसान में जाती जा रही है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस जो है वो बनती है। मंगल देव की बात करते हैं, मंगल देव अगर खराब होकर के छठे घर में बैठ जाए या छठे घर के ऊपर खराब दृष्टि मंगल की पड़ जाए, तब भी ये लोन और कर्ज जैसे हालात बनाते ही चले जाते हैं। हालांकि मंगल छठे भी घर के अंदर हो तो कहते हैं सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन छठे घर में अगर मंगल खराब अवस्था में जाकर के बैठ जाए तो ऐसे लोग भी देखे गए जिनके पास है तो लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन फिर भी उनको अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोन पे लोन लेना पड़ता है और पूरी उम्र लोन लेकर के ऐसे लोग चलते हैं। अगला हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर जन्म कुंडली में खराब अवस्था में हो और इंसान 34 साल की उम्र से पहले बिजनेस शुरू कर ले, या चाहे उसकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है लेकिन बुध देव बहुत ज़्यादा खराबी पर है, उसका संबंध मंगल के साथ है, केतु के साथ है, या बहुत खराब अवस्था में है और कुंडली में राहु चंद्रमा इकट्ठे है, तब भी बुध खराब होगा, तो ऐसे में इंसान के दिमाग में अगर बिजनेस करने के आइडियाज़ आ जाए, वो बिजनेस करने के लिए चला जाए, उसके लिए लोन ले ले, कर्ज लेने, तो तब भी बुध देव का अगर समय चल रहा है तो इंसान का कभी बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता। बिजनेस के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पैसे की कमी देखने को मिलती है, काम चल नहीं पाता और जो उसने लोन लिया होता है, कर्जा लिया होता है, उसको चुका नहीं पाता। और केतु देव की अगर हम बात करें तो केतु देव जो हमारे दिमाग में आने वाले विचार है, ऐसे में अगर केतु देव खराबी पर हो, अपने पक्के घर में बैठ जाए, छठे घर में, छठा घर केतु का पक्का घर है लेकिन इसी में वो नीच फल देते हैं, अगर छठे घर में बैठ जाए तो इंसान थोड़ा जिद्दी भी होगा, उसका मान सम्मान जल्दी खराब होगा, उसमें एक अजीब सा गुस्सा, इरिटेशन और नेगेटिव थिंकिंग होगी कि मेरे अपने ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, ये तो दिक्कतें देगा ही। साथ ही केतु देव हमारे दिमाग के अंदर एक बेकार की नेगेटिविटी बरता चला जाता है और इंसान के ऊपर किसी ना किसी तरह से वैसे हालात बनाता चला जाता है कि पैसे की कमी के कारण कर्जा लेना पड़े या किसी से लिया हुआ पैसा लौटा ना पाना। शनि देव की अगर हम बात करें तो शनि देव अगर कुंडली में खराब होते हैं तो ये इंसान को समझदार इतना ज़्यादा बना देते हैं कि वो अपने आप को समझदार समझता हुआ बेवकूफियाँ करता चला जाता है और काम धंधे के अंदर ऐसा फंस जाता है जिसमें ना तो काम चल पाता है और उल्टा कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जाता है। और साथ ही शनि का संबंध अगर सूर्य के साथ हो जाए और ये दोनों का संबंध कैसे ना कैसे करके छठे घर के साथ, आठवें घर के साथ, बारहवें घर के साथ या चौथे घर के साथ हो जाए, तब भी रुपए पैसे के बड़े बड़े नुकसान देता है और इंसान खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता हुआ ऐसे ऐसे काम करता है, अपने गुस्से में आके, अपनी जिद में आकर के, नहीं मैं तो यही करूंगा और इसी काम को करके रहूंगा, लेकिन जब वो अपनी एम की तरफ ऐसा इंसान बढ़ता है, खास करके शनि सूर्य वाला इंसान जिसका राहु भी खराब होता है, मंगल भी खराब होता है और शनि ने सूर्य को भी पूरा खराब कर रखा होता है, तो ऐसा इंसान अपने आप को समझदार ज़्यादा समझ के अपनी एम की तरफ बढ़ता है, पहले तो उसके अंदर बहुत जोश होगा, बहुत एनर्जी होगी, लेकिन बीच रास्ते में जाकर के एनर्जी ऐसे उसकी डाउन आएगी कि वो ना आगे जाने का रहेगा ना पीछे आने का रहेगा। इस तरह की खराबियां शनि सूर्य का मेल भी देता है, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस पहले तो बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं हर काम कर सकता हूँ, जितना मर्जी ऐसा इंसान लोन ले ले लेकिन मैं इसको तो बहुत जल्दी चुका दूंगा, बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा, लेकिन जब वो अपने एम की तरफ बढ़ता है तो हालात ऐसे बनते हैं कि वो लिया हुआ लोन नहीं चुका पाता, ना उसका काम चलता है और एक अजीब सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन उसके स्वभाव के अंदर आती चली जाती है, जिसके कारण आगे जाके पुत्रों के सुख खराब होते हैं, घर की सुख शांतियाँ खराब होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसलिए कर्जे के लिए कोई एक योग नहीं है और ना ही इसका कोई एक उपाय है।
कर्जे के लिए लाखों हजारों लॉ बनते हैं जो इंसान को कर्जा किसी भी समय में दे सकते हैं, तो इसका कोई भी एक उपाय नहीं है। ये हम कुंडली देख करके ही जान सकते हैं कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका कौन सा उपाय है जिसको करके हम कर्जे से निजात पा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर भी कर्जा बहुत जाता है तो अपनी अपनी कुंडली दिखवा करके आप कर्जे के अगर उपाय करके चलते हो, उन खराब योगों को ख़त्म करते हो, तो बहुत जल्द आपके ऊपर कर्जा भी ख़त्म होगा और घर में बरकत रहनी शुरू होगी। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।